गुड मॉर्निंग स्वीट लिटल किड्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आप सब बच्चे मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, समय समय पर हमारे द्वारा भेजी जाने वाली वीडियोस देख रहे हैं और साथ ही अपना होमवर्क भी पूरा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने हिंदी ग्रामर की पुस्तक में लेसन 5 पर दिए गए पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ा था। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और एक पेंसिल भी ले लीजिए। अभ्यास कार्य करने से पहले हम पेज 18 पर दिए गए पर्यायवाची शब्दों को एक बार फिर से दोहरा लें। सबसे पहले देखिए सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं दिनकर, भानु, आदित्य। ये देखिए, ये सूर्य का चित्र भी बना हुआ है। उसके बाद है चांद। चांद के पर्यायवाची शब्द हैं शशि, इंदु, चंद्रमा। माँ, जननी, माता, मैया। पिता, पित्री। ये देखिए त के नीचे री की मात्रा लगी हुई है, इस शब्द को हम पढ़ेंगे पित्री। जनक, पापा। तो देखिए आप अपने पापा को इनमें से किसी भी नाम से बुला सकते हो। पक्षी, ये देखिए ये पक्षी का चित्र बना हुआ है। चलिए अब हम पक्षी के पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। खग, विहग, पंछी। बालक, बालक के पर्यायवाची शब्द हैं शिशु, बच्चा। बच्चा देखिए इसमें आधा च और पूरा च, इसको हम कहते हैं द्वित व्यंजन। ये आपने हिंदी ग्रामर के पिछले लेसन में पढ़ा था ना द्वित व्यंजन के बारे में। बच्चा, बाल, मित्र, दोस्त, सखा, मीत। तो आप भी अपने मित्रों को इन सभी नामों से पुकार सकते हो। अब अगली लाइन देखिए। आंख, ये देखिए ये आंख बनी हुई है। आंख के पर्यायवाची शब्द बोलिए नयन, चक्षु, लोचन। आप भी मेरे साथ साथ इन शब्दों को पढ़िए। बरसात, बरसात के पर्यायवाची शब्द हैं वर्षा, मेघ, बरखा। घर, गृह। ये देखिए ग के नीचे री की मात्रा लगी हुई है, इस शब्द को हम पढ़ेंगे गृह। सदन, निकेतन। सवेरा, सुबह, प्रातः। देखिए त के आगे ये विसर्ग लगी हुई है, विसर्ग को हम ह की तरह पढ़ते हैं, तो इस शब्द को हम बोलेंगे प्रातः। प्रभात, दिया, दीपक, दीवा, चिराग। ये देखिए यहाँ पर दीपक का चित्र बना हुआ है। उसके बाद है समुद्र। जल्दी, जल्दी में देखिए ध में छोटी की मात्रा लगाएंगे, जल्दी। सिंधु, सागर। अगला वर्ड है पर्वत, पहाड़, गिरी। और पर्वत का एक और पर्यायवाची शब्द होता है शैल। तो आप भी इन शब्दों को पढ़िए और अपनी रफ कॉपी में लिखने का भी अभ्यास कीजिए। आइए अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। भाई, भ्राता, बंधु, भैया। कमल, जलज, पंकज, नीरज। ये देखिए ये कमल का फूल बना हुआ है, यह पानी में खिलता है। पुत्र, बेटा, सुत, तने। भूमि, वसुंधरा, पृथ्वी, धरा। उसके बाद है नाव।
ये देखिए नाव, नाव के पर्यायवाची शब्द बोलिए मेरे साथ, नौका, नैया, किश्ती, कोयल, कोकिला, पिक, शामा। ये तो आप जानते ही हैं कि कोयल मीठे स्वर में गीत गाती है। जल, नीर, सलील, वारी। जल के दोबारा से पढ़िए, नीर, सलील, वारी। उसके बाद है नदी, तरंगिनी, सरिता, तटिनी। ये देखिए नदी के चित्र बना हुआ है और ये बीच में पानी बह रहा है। तन, बदन, शरीर, काया। आसमान, गगन, व्योम, अंबर। किताब, पुस्तक, पोथी, ग्रंथ। फूल, कुसुम, पुष्प, सुमन। ये देखिए पहले हमने कमल का फूल के बारे में पढ़ा था, कमल के फूल के पर्यायवाची शब्द, लेकिन ये है फूल। इसमें ये फर्क है, कमल एक फूल का नाम है और ये किसी भी फूल के बारे में हम बात कर रहे हैं। वायु, पवन, समीर, बयार। शीशा, आईना, दर्पण। ये देखिए अण, अण खाली है ना, ये इसको हम पढ़ेंगे दर्पण। वन, जंगल, कानन, अरण्य। पेड़, वृक्ष, तरु, विटप। शाम, शाम का होगा सांझ, संध्या, सायंकाल। रात, रात्रि, रजनी, निशा। तो देखिए हमने एक बार फिर से ये सारे पर्यायवाची शब्दों की रिवीजन कर ली है। आइए अब हम अभ्यास कार्य करना शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची ढूंढ कर लिखिए। देखिए साइड में हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, आपने हेल्प बॉक्स में से सही पर्यायवाची शब्द लिखना है। पहला वर्ड देखिए क्या है, कमल। देखिए कमल, कमल के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, पंकज, नीरज। उसके बाद है दूसरा वर्ड दिया हुआ है नाव, नौका, क्या दिया हुआ है, प्रसन्नता। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं
हंसना, मुस्कुराना। तो प्रसन्नता का पर्यायवाची शब्द होता है हर्ष, तो आप हर्ष के सामने टिक लगाइए। उसके बाद देखिए दूसरा वर्ड प्रार्थना। प्रार्थना के लिए दिया हुआ है पूजा, विनती, विनम्रता। प्रार्थना का पर्यायवाची शब्द होता है विनती, आप विनती के सामने सही लगाइए। उसके बाद आसमान। आसमान के लिए देखिए बहुत बहुत से ऑप्शन है, दिवाकर, बादल, अंबर। यस, सभी शब्द है अंबर, को हम अंबर के सामने सही लगा देंगे। उसके बाद हवा। हवा के लिए दिए हुए है वर्ड्स सलील, पवन, अनल। हवा का पर्यायवाची शब्द होता है पवन। उसके बाद है सुबह, दिन, दोपहर, भोर। इसका सही वर्ड है भोर, हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। रात। रात के लिए दिया हुआ है निशा, सांझ, उषा। तो रात के लिए सही शब्द कौन सा है निशा। तो अब आप ये सारे शब्द इनके सामने टिक लगाना और अपनी बुक में लिख लेना। पहला क्या हुआ हर्ष, विनती, अंबर, पवन और निशा। अब आप तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें दिया हुआ है दिए गए शब्दों के दो दो समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। सबसे पहला वर्ड है शीशा। देखिए ग्रीन बोर्ड पर देखिए और अपने ऊपर लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए कौन सा वर्ड है शीशा। इसके पर्यायवाची शब्द होंगे आईना, दर्पण। शीशा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हुए आईना, दर्पण। सेकंड वर्ड देखिए घर। घर के पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे गृह। देखिए ग, ग के नीचे आपने ली की मात्रा लगा दी है गृह, सदन। उसके बाद है पर्वत। पर्वत के हम लिखेंगे पर्यायवाची शब्द पहाड़, गिरी। गिरी में आप ग में और ग में दोनों में छोटी की मात्रा है। पर्वत का तो क्या क्या पर्यायवाची शब्द हुए पहाड़, गिरी। पिता। पिता के लिए है पित्री, जनक। एक बार दोबारा सुनिए और आप ये शब्द लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और इन्हें याद भी कर लीजिए। शीशा। शीशा के लिए आईना, दर्पण, घर, गृह, सदन, पर्वत, पहाड़, गिरी, पिता, पित्री, जनक। आइए अब हम सुलेख लिखते हैं। आज हम लिखेंगे बच्चे भगवान की पूजा करते हैं। ये देखिए भ, भ के ऊपर आप यहाँ पे पूरी लाइन नहीं लगाएंगे, ये यहाँ से सिर्फ इस लाइन से शुरू करेंगे। आप सुलेख लिखते समय अक्षरों की बनावट का और राइटिंग का पूरा ध्यान रखें। अब हम लिखेंगे कुछ नए शब्द। आज हम क से बने कुछ शब्द लिखेंगे। सबसे पहले देखिए पुस्तक। पुस्तक में देखिए आधा स और क के नीचे छोटे ऊपरी मात्रा। उसके बाद पुष्प। पुष्प का मतलब होता है फूल। पुस्तक, पुष्प, पुजारी, पुरस्कार, प्राचीन। प्राचीन का अर्थ है पुराना। आप इन शब्दों का सही ढंग से उच्चारण करना और अपने नोटबुक पर लिख लेना। अब आज का एडवाइजरी होमवर्क सुनिए। आपने पेज 19 पर दिए गए पर्यायवाची शब्दों को याद करना है और अपनी नोटबुक में लिखकर उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। बच्चों आओ हम शब्दों की
सैर पर चलते हैं और तरह तरह के शब्दों के बारे में जानते हैं। पता है ये कौन कौन से शब्द हैं? ये हैं समान अर्थ वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द। आओ सबसे पहले समान अर्थ वाले शब्द के बारे में जानते हैं। रघु चलो मैं तुम्हें गांव घुमाता हूँ। चलिए मामा जी। अरे रघु देखो इस सरोवर का जल कितना साफ है, इसमें जलज भी खिले हैं। मामा जी मैं समझा नहीं, किसका क्या साफ है, कौन खिला हुआ है? अरे बेटा इस तालाब का पानी साफ है और इसमें कमल के फूल भी खिले हैं। अच्छा अब समझा मामा जी, ये पुष्प तो बहुत सुंदर है। चलो बच्चों अब बताओ सरोवर के लिए दूसरा शब्द तालाब। मामा जी ने जल के लिए दूसरा शब्द क्या कहा? पानी। कमल के लिए कौन सा शब्द कहा गया? जलज। रघु ने फूल के लिए कौन सा शब्द कहा? पुष्प। बच्चों आपने ध्यान से देखा, ये सभी समान अर्थ वाले शब्द हैं। सरोवर यानी तालाब, जल यानी पानी, कमल यानी जलज, फूल यानी पुष्प। इस तरह एक जैसे अर्थ वाले शब्द या समान अर्थ वाले शब्द एक ही बात है, उल्टे अर्थ वाले। तो बच्चों आपको यह पर्यायवाची शब्दों वाला चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आप इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।